हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस तरीके का गाउन। मैंने इस पिक से इंस्पायर्ड होकर ये गाउन प्रिपेयर किया है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, सो आई रियली होप आपको पसंद आए। इसे बनाने के लिए आप अपनी साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी 5 मीटर फैब्रिक की, एंड अगर आप साड़ी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप एक साड़ी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम घेरा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें 5 मीटर की फैब्रिक की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने क्रेप मटेरियल इस्तेमाल किया है, आप रेयन मटेरियल या नेट मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके साथ अस्तर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इसे एक हाफ में फोल्ड कर लें, फिर इसे दोबारा फोल्ड कर लें। एक साइड खुली हुई होगी, एक साइड बंद। बंद साइड पर आप अपनी कमर का मेजरमेंट करेंगे, जितनी भी आपकी कमर है उसे आप डिवाइड कर लें 6.28 से। 6.28 से हमें हमारे सारे मेजरमेंट से डिवाइड करना होगा। आपकी कमर कम हो या ज़्यादा, इसे 6.28 से ही डिवाइड कर लेना होगा। तो ऑल ओवर मार्क कर लेंगे 5 इंचेस, क्योंकि डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 5 इंच। इस तरीके से कोने पे हमें 5 इंच लेना होगा। उसके नीचे आप लंबाई ले लेंगे, कमर से नीचे कितना लंबाई आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए था 36 इंच, तो ऑल ओवर मैंने 36 इंच मेजर कर लिया है। अब इन्हें मिला लेंगे। ऊपर का ब्लाउज बनाने के बाद नीचे कमर से नीचे तक की ही लंबाई लेना होगा। अब इन दोनों मार्किंग को जब आप कट करेंगे, खोलेंगे, तो इस तरीके का 2 सेमी सर्कल आपको मिलेगा। इन्हें एक के ऊपर एक रखना होगा, सीधा तरफ बीच में होगा, एंड साइड से सिलाई दे देनी होगी। इस तरीके से जब आप सिलाई देंगे और खोलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा घेरे का कपड़ा मिल जाएगा। यहाँ पर 5 मीटर के कपड़े का इस्तेमाल करते हुए हमें 7 या 8 मीटर का घेरा मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे अपने फैब्रिक पर कर लिया है सेम स्टेप। अब आप को इस तरीके से हम ब्लाउज प्रिपेयर करेंगे। तो ब्लाउज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 मीटर का कपड़ा लिया है, जिसे एक बार फोल्ड कर लिया है, फिर इसे दोबारा फोल्ड कर लेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती लें, इसके ऊपर रख लें इस तरीके से। आस्तीन को अंदर की ओर फोल्ड कर लें, क्योंकि ताकि हम हमारा आर्म होल का शेप ट्रेस कर लें। तो यहाँ पर मैं आस्तीन को भी फोल्ड कर लूँगी। अब 1 इंच का गैप देते हुए मैं ऑल ओवर मार्किंग कर लूँगी, इस तरीके से साइड्स भी मार्क कर लूँगी। अगर आपको डार्ट लगाना है तो आप साइड मार्क करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा गैप छोड़ें। यहाँ पर मैं नहीं लगा रही हूं। गले के लिए चौड़ाई मैं 3 इंच ले लूंगी, लंबाई 4 इंच की। इन्हें भी मैं मिला लूंगी इस तरीके से। इन सारी मार्किंग को मिला लेने के बाद आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर 1/2 इंच डाउन रखा है। 1/2 इंच मार्क करने के बाद इसे गले के साथ मिला लेना होगा, एंड इन सारी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपने गाउन में कोई डार्ट्स नहीं क्रिएट कर रही हूँ। अब आप इसे खोल लें। खोल लेने के बाद पीछे का गला मैं हैज इट इज रहने दूंगी, बट आगे का गला मैं वी शेप दूंगी, एंड थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा लूंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसकी लंबाई बढ़ा लिया है, क्योंकि मैं पीछे की तरफ गाउन को एंटर करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं दे रही हूँ, कोई मैं चेन नहीं लगा रही हूँ। अब इन्हें एक के ऊपर एक रखकर कंधों को सिलाई दे देनी होगी, साइड सी लेना होगा, एंड सारे रॉयजेस को हेम कर लेना होगा। आस्तीन नहीं लगा रही हूँ, इसलिए आस्तीन का भी रॉयज हम हेम कर लेंगे। सो इसी तरीके से हमारा ऊपर का बॉडीज तैयार हो चुका है। अब नीचे का घेरे को डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरीके के स्टोन्स का इस्तेमाल किया है। मार्केट पर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, 5-10 रुपीज़ में आपको एक अच्छा बल्क में मिल जाएगा ये। अब इसे ऑल ओवर मैं नीचे के घेरे पे स्प्रेड कर लूँगी, फैब्रिक ग्लू के हेल्प से इसे स्टिक कर लूँगी, एंड आप देख सकते हैं स्टिक करने के बाद ये कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ऑल ओवर। यहाँ पर घेरे को और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह की लेस लिया है। अब 5-5 इंच की दूरी पे मैं इसे इस तरीके से सबसे पहले मार्क कर लूँगी, एंड मार्क करने के बाद लगा लूँगी, एंड नेक एरिया पर भी मैं इस तरह की लेस लगा लूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑल ओवर घेरे में लेस अटैच कर लिया है, एंड स्टोन्स अटैच कर लिया है, एंड मेरा नॉर्मल सा सिंपल सा कपड़ा कितना ही ज़्यादा हैवी लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए आप बहुत ही ब्यूटीफुली घर में ही और अपने ही हाथों से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नीचे का घेरा तैयार हो चुका है, ऊपर के ब्लाउज पे भी मैंने लेस अटैच कर लिया है गले की ओर। अब बस हमें ब्लाउज को अपने घेरे के साथ अटैच कर लेना होगा, सिलाई दे देनी होगी। तो इसे इसके ऊपर सिलाई दे दूंगी, एंड सिलाई देने के बाद कमर के हिस्से पर भी मैं सेम लेस लगा लूँगी जो कि मैंने गले पर लगाया था, एंड जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर इसे मैंने क्रिएट किया है उस पर भी सेम इसी तरह की लेस लगी हुई थी। यहाँ पर हमारा ये गाउन तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके साथ आप नेट का कोई भी दुपट्टा कैरी करेंगे, एंड उसके ऊपर भी सेम तरीके का स्टोन्स लगा लें, एंड ऑल ओवर चारों बाजू सिल्वर कलर की लेस लगा लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अगर आपको इसे बनाने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कॉमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।